नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी का टॉपिक करेंगे गुणनखंड और गुणज। अध्याय तीन संख्याओं के साथ खेलना, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है। और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम आज सीखेंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, सार्वगुणनखंड क्या होते हैं और सहभाज्य संख्याएं, और उसके आधार पर फिर एक्सरसाइज हम 3.4 करेंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक है गुणनखंड और गुणज, तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुणनखंड किसे कहते हैं। बच्चों, गुणनखंड से मतलब है, गुणनखंड से अभिप्राय है कि किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। मतलब कोई संख्या है, उसका गुणनखंड वो संख्या होती है जो उस दी गई संख्या को पूरी पूरी भाग कर देती है। विभाजक का मतलब होता है भाग करने वाले। तो गुणनखंड किसी संख्या का एक पूरा पूरा विभाजक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 20 लेते हैं, 20 के जो गुणनखंड होंगे, यानी 20 एक से भाग हो जाएगा, दो से, फिर चार से और पांच से। तो आप कह सकते हैं 1, 2, 4 और 5 20 के गुणनखंड हैं। यानी कोई भी संख्या है, जैसे मान लिया मैंने 20 को 4 × 5 लिखा, तो 4 20 का एक गुणनखंड है, 5 20 का एक गुणनखंड है। इसी तरह से 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 10, 2 भी गुणनखंड है, 10 भी गुणनखंड है। तो जो संख्याएं इसको पूरा पूरा भाग कर देती हैं, वो सब उसके गुणनखंड होती हैं। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड कहलाता है। उसके बाद है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, सार्व का मतलब होता है उभयनिष्ठ या साझा। उभयनिष्ठ से अभिप्राय है, जैसे मान लेते हैं 4 के गुणनखंड हमने किए, तो 4 के गुणनखंड होंगे 1, 2 और 4। उसके बाद हमने 18 के गुणनखंड किए, 18 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इनके सार्व गुणनखंड क्या होंगे। तो हमने 4 के गुणनखंड किए, 18 के गुणनखंड किए, 4 और 18 के सार्व गुणनखंड का मतलब इन दोनों में से जो कॉमन कॉमन है वो क्या होंगे। जैसे आपको 1 दिखाई दे रहा है, 1 सार्व गुणनखंड है, 2 भी सार्व गुणनखंड है, उसके बाद 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, बाकी ये संख्या इधर है, इधर नहीं है। तो इसका मतलब सार्व का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ या साझे गुणनखंड जो होंगे वो होंगे 1 और 2। तो इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि 4 और 18 के सार्व गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 2 होंगे। तो सार्व गुणनखंड से मतलब किसी भी संख्या के हम गुणनखंड करेंगे, दो संख्याओं में गुणनखंड करेंगे, और उनमें जो कॉमन कॉमन टुकड़े होंगे, जो दोनों में साझा होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, उन्हीं को हम सार्व गुणनखंड कहेंगे। जैसे आपको सवाल दिया जा सकता है कि 18 और 20 के सार्व गुणनखंड बताइए, तो आप 18 के गुणनखंड कर लेंगे, वो सब संख्याएं निकाल लेंगे जो 18 को पूरा पूरा भाग कर देती है। फिर 20 के गुणनखंड निकाल लेंगे, वो सब संख्याएं निकाल लेंगे जो 20 को पूरा पूरा भाग करती है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे कि सिर की संख्याएं कौन सी है, साझी संख्याएं कौन सी है, यानी उभयनिष्ठ संख्याएं जिसको कहते हैं वो कौन सी है, और वो संख्याएं हम लिख देंगे, वही उन संख्याओं के सार्व गुणनखंड होंगे। उसके बाद आपके बीच में कॉन्सेप्ट आएगा कि सह अभाज्य संख्याएं। कई बार आता है कि दो, ये पता करिए ये संख्या दो सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्व गुणनखंड होगा। यानी दो संख्याएं लेंगे हम, उनके गुणनखंड करेंगे, उन गुणनखंडों में यदि आपको लगता है कि सिर्फ एक ही सार्व गुणनखंड है, तो वो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 3 और 5 है, 3 5 जो है वो कौन सी संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। इनके गुणनखंड करोगे तो सिर्फ कॉमन इनमें एक ही आएगा, तो उनको हम सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। तो समझ गए आप गुणनखंड से मतलब, गुणनखंड एक संख्या का ऐसा भाग होता है जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि सार्व गुणनखंड क्या होते हैं, दो संख्याओं के बीच में सार्व गुणनखंड निकालेंगे, तो उसमें वो गुणनखंड सार्व गुणनखंड कहलाएंगे जो उन संख्याओं को न केवल पूरा पूरा भाग करेंगे बल्कि उनमें दोनों में उभयनिष्ठ भी होंगे, कॉमन भी होंगे। फिर सहभाज्य संख्याएं, दो संख्याओं में यदि सिर्फ एक ही सार्व गुणनखंड हो तो उन दोनों संख्याओं को हम सहभाज्य संख्याएं कह देते हैं। अब आता है गुणज। गुणज से अभिप्राय है कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। एक संख्या है, उसके लिए हम गुणनखंड करेंगे, तो वो जो गुणनखंड है उस संख्या के गुणज होंगे। गुणज का मतलब, जैसे मान लिया हम लेते हैं 5 5 के गुणज क्या होंगे, 5 10 15 20, ठीक है। तो ये सब संख्याएं हैं, इनके हम गुणनखंड करेंगे। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणन होती है, तो गुणनखंड हमने किया तो इनमें से प्रत्येक का ये गुणज होगी, यानी 5 से पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो गुणज से मतलब, जैसे 5 के गुणज होंगे 5 10 15 20, 3 के होंगे 3 6 9, आगे लास्ट मतलब इन्फिनिटी तक ही चलता रहेगा, जहां तक हमसे पूछा जाएगा हम वहीं तक बात करेंगे। उसके बाद है
सारगुणज, सारगुणज से क्या अभिप्राय है, सारव जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा सारव का मतलब उभयनिष होता है, तीन के गुणज हम निकालेंगे, तीन छह नौ बारह इस तरह से, उसके बाद नौ के निकालेंगे, नौ अठारह सताइस छत्तीस इस तरह से होगा। आपसे पूछा जाएगा इनके सारगुणनखंड क्या थी, सारगुणनखंड का मतलब आपको देखिए इनमें से कॉमन कौन सा है, तीन यहाँ है इधर नहीं है, छह यहाँ है इधर नहीं है, तो एक तो नौ संख्याएं हैं ये उभयनिष है, उसके बाद जैसे आगे चलते जाएंगे यहाँ पंद्रह आएगा अठारह आएगा, तो आप देखेंगे अठारह जो है वो भी कॉमन है, तो इस तरह से नौ अठारह आगे जो संख्याएं हैं ये सारगुणज गुणज कहलाएंगे। सारगुणज का मतलब दो संख्याओं के गुणज हम निकालेंगे और उनमें से कॉमन कॉमन जो गुणज होंगे वो सारगुणज कहलाएंगे, तो ये सारगुणज का कॉन्सेप्ट है। अब आप एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, उसमें आपसे यही पूछा जाएगा, पहले सवाल में पूछा गया है कि जैसे दो संख्याएं हैं इनके सारगुणनखंड बताइए, तो हम सारगुणनखंड आसानी से बता सकते हैं, पहली संख्या के गुणनखंड करेंगे दूसरी के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका आप इस विधि से भी कर सकते हो और सीधा सीधा भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लिया 20 के आप निकालेंगे, आपको पता है कि जो विभाजकता के नियम आपने पढ़े हैं उनके आधार पर कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप गुणनखंड उसके कर सकते हैं। उसके बाद हम दो संख्याओं के गुणनखंड करेंगे और उनमें से सारो हम लोग कॉमन गुणनखंड हम निकाल लेंगे, वही उसके सारगुणनखंड है। कुछ सवालों में पूछा जाएगा कि सारगुणज बताइए, तो हम गुणज भी बता देंगे, पहली संख्या के गुणज लिखेंगे दूसरी के गुणज लिखेंगे, और उन दोनों में जो कॉमन होगा वो उनका सारगुणज गुणज कहलाएगा। तो इस तरह से हम गुणज और गुणनखंड का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो एक्सरसाइज के हम 3.4 के सभी सवाल करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से करेंगे, फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें लिख के भेजें। थैंक यू।